नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां सरकार, संगठन और जितने भी संस्थाएं हैं, सभी ये कोशिश करते हैं कि महिला अपराध पर लगाम लगा सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो लगाम लगाने में नाकामयाब रही हैं। फतेहपुर में ससुराली जनों द्वारा एक महिला की हत्या कर दी जाती, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती। इस बात से नाराज गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने उठाई आवाज। नजर डालते हैं फतेहपुर की लोकतांत्रिक, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की इस आवाज पर, इस खबर पर एक नजर। यूपी के फतेहपुर जिले में आज महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध व महिला उत्पीड़न के विरोध में गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की महिलाओं ने लाठी डंडों से लैस होकर थाने का घेराव किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि 29 नवंबर को खब रेरू थाना क्षेत्र में एक महिला की ससुराली जनों ने हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने 1 भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है, जिसको लेकर आज गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की महिलाओं ने लाठी डंडों से लैस होकर थाने का घेराव किया और मांग की है कि मामले में जो भी आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम महिलाएं एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। को लेकर के हम खखरेड़ू थाना आए हुए हैं। खखरेड़ू थाना में एक महिला का मर्डर कर दिया गया। किशनपुर चिराई गांव की लड़की थी वो। लड़की का मर्डर 29 तारीख को कर दिया गया। अभी तक यहां से थाने से कुछ भी नहीं हुआ और यहां पे कह रहे हैं एसओ साहब की सीओ साहब जांच कर रहे हैं। और जब तक इस लड़की को और कई थानों के मामले हैं, जब तक इन लड़कियों को, महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग ऐसे शांत बैठने वाले नहीं है। उनको जब न्याय मिलेगा तभी हम लोगों को शांति मिलेगी, क्योंकि जब अभियुक्त पकड़े नहीं जाते, अपराधी पकड़े नहीं जाते, उनके हौसले और बुलंद होते हैं। इसीलिए हमारा सारा समाज और हमारा जिला दूषित होता जा रहा है। एसपी साहब नए आए हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारी बात जरूर सुनी जाएगी और महिलाओं को न्याय मिलेगा। मेरा नाम हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की मैं अध्यक्ष।